सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की नकली वर्दी पहनकर रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी से 2000 रुपये की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना के बाद पीड़ित सरकारी कर्मी ने थाने पहुंचकर मामले की जानकारी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वर्ण रेखा परियोजना से रिटायर्ड कर्मी प्रेमलाल हेम्ब्रम जो कि सालडी बस्ती निवासी हैं अपने स्कूटी से जा रहे थे। इसी बीच पुलिस वर्दी में एक व्यक्ति ने इन्हें जबरन रुकवाया और गाड़ी की तलाशी लेनी शुरू कर दी और उनसे पैसे की मांग की। काफी आनाकानी के बाद रिटायर्ड कर्मी ने 2000 रुपये उसे दे दिए, जिसके बाद वह पैसे लेकर फौरन रफूचक्कर हो गया। इस घटना के बाद रिटायर्ड कर्मी ने थाने पहुंचकर मामले की जानकारी दी। हालांकि अब तक इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। तरफ से आ रहे थे के सामने बैंक के सामने एक सारा ड्रेस पर पुलिस बैंक पे आया पीछे से और हमको रुपया बोलते कागज वगैरह मांगा दिखाए भी। उसके बाद नहीं ये नहीं वो नहीं किया। उसके बाद इतना पैसा है निकालिए, कभी पैंट में है कभी शर्ट में है, बोला 1 रुपया भी छोड़ा नहीं। जो भी दिखाई दिया उसके नज़र में सब पैसा ले लिए। हमारे उसके बिहारी भाषा और पुलिस के वर्दी बंद करके वो बोल करके हमसे जल्दीबाजी में पैसा निकलवाया और लेके चला गया। वो वाला पैसा ले लिया हाथ में, कागज थमा दिया और वो आगे बढ़िए, बोला चल दिए चल दीजिए।